प्रशासन के निर्देश पर महाराजगंज में चला बुलडोजर, नालियों के ऊपर अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत महाराजगंज के प्रमुख सड़कों पर नाली के ऊपर बनाए गए अतिक्रमण सेट को बुलडोजर लगाकर प्रशासन द्वारा हटाया गया। नगर पालिका परिषद महाराजगंज और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी पटरियों और सड़क के साथ साथ फुटपाथ पर अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि जाम की समस्या से निजात मिल सके और वाहनों के आवागमन में आसानी हो। साथ ही साथ एम्बुलेंस जैसी आवश्यक चीजों को भी आवागमन करने में किसी तरह का कोई दिक्कत न हो सके। मोटर संचालन के लिए यातायात नियमों के अनुपालन के लिए सड़कों का व्यवस्थित होना अति आवश्यक है और इसी क्रम में शासन के निर्देशानुसार सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लगातार हटाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बृहस्पतिवार के दिन नगर पालिका के पास से पीजी कॉलेज के गेट तक का अतिक्रमण से हटाते हुए नगर पालिका को देखा गया, जहां प्रशासन का बुलडोजर नाली के ऊपर बने हुए अवैध तीन सेटों पर चले और उसका वहां व्यापारियों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने किसी की एक न सुनी और इस अवैध अतिक्रमण को हटाया। देखना यह होगा कि प्रशासन के इस दिशा निर्देश के बाद और इस सख्त रुख के बाद क्या इन पटरियों से अतिक्रमण परमानेंट हटाया जा सकता है, क्या इन पटरियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा सकता है, या फिर यह कार्यवाही भी केवल दिखावा मात्र रह जाती है। आपको बता दें कि प्रशासन के लगातार प्रयास के बावजूद, लगातार कार्रवाइयों के बावजूद कुछ ही समयों में इन पटरियों पर फिर से अतिक्रमण कर लिया जाता है। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की सख्ती के बाद क्या यह व्यापारी इस अतिक्रमण से इन सड़कों को मुक्त करते हैं, ताकि लोगों के आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो सके। टीम जनमंच खबर, महाराजगंज।